वर्कलोड बहुत ज्यादा था और मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। चल खाना खा के आते, क्या खाना है बता। यार मैं ना वो अनहेल्दी सा बाहर का खा खा कर थक गई हूँ, अब मेरा मन कुछ हेल्दी, कुछ घर का टाइप खाना खाने का मन हो रहा है। तो बता फिर, कोई रेस्टोरेंट है तेरी नज़र में? नहीं यार, बट मेरी नज़र में तो है। न्यूज 24 की बिल्डिंग के सामने ही मिंडमिल बिल्डिंग के 7th फ्लोर पर श्याम गोपाल रेस्टोरेंट है, वहाँ पे चल के ट्राई करते हैं। एंड उनकी दाल ना इतनी फेमस है, तू खुद बोलेगी कहाँ क्या जगह लेके आई है तू मुझे। यार हेल्दी होता है खाना, हेल्दी माँ के हाथ का खाना हेल्दी होता है, बिल्कुल घर जैसा खाना देंगे तेरे को। तो चल फिर, इंतजार किसका कर रही है, काम बाद में हो जाएगा। So, hello, 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 guys. What's up? So, हम आ चुके हैं श्याम गोपाला रेस्टोरेंट और राशि ने यहाँ के खाने की इतनी तारीफ की है तो अब तो टेस्ट करना ही पड़ेगा कि यहाँ का खाना है कैसा। तो आइए चलते हैं और देखते हैं इनकी स्पेशलिटी क्या है। एक्चुअली यहाँ का खाना ना, मतलब इसमें बहुत सारी, आप देखोगे घी में बनता है सबसे पहली बात। सीरियसली? यस, जैसा इनका दावा है कि लोग घी में खाना बनाते हैं, तो आज सिमरन को ना ट्राई करा ही देते कि यार इतना टेस्टी फूड कहीं नहीं मिलेगा घर जैसा। देखते हैं। So, तुमने इस खाने की तारीफ तो बहुत की है, चलो देखते हैं कैसा है। भटूरे देख रही हो, कितने फूले फूले हैं यार। It's really tasty. मैंने तो बोला ही था यार, it's such damn good. Seriously, ऐसे छोले मैंने कहीं नहीं खाए। इनके जो छोले हैं ना, उसमें ज़्यादा मतलब बहुत सटल सा टेस्ट है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा मसाले हैं या कुछ है। बहुत अच्छा लगा, मतलब मैं तो खाती रहती हूँ, इसके लिए एक समथिंग न्यू है। कैसा लगा तुम बताओ, छोलों का टेस्ट और भटूरे एज इट इज़ वेरी, मतलब ऐसा भी बहुत अच्छे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इनके भटूरों में से तेल नहीं टपक रहा है। बड़े दावे करें कि ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इनकी थाली ट्राई करने को। मानना तो पड़ेगा, एकदम गजब की। कढ़ाई पनीर ट्राई किया तुमने? बहुत अच्छा, इनकी हर चीज़ बहुत अच्छी है, हर चीज़ बहुत अच्छी है। मुझे एक्चुअली कढ़ाई पनीर बहुत अच्छा लगता है, शाही पनीर वगैरह से हटके भी। और ऐसा नहीं, मतलब सॉफ्ट बहुत है पनीर, तुम देखोगे ना सॉफ्ट बहुत पनीर है। कि हमारे ऑफिस में सबसे ज़्यादा ब्रेड पकौड़ा ही मंगाया जाता है एंड लोग फैन है। एंड ज़्यादा भी कॉस्ट नहीं है, जस्ट 20 रुपीज़। चटनी इमली वाली यार, इट्स फैबुलस। बट ऐसा नहीं, बहुत पतली है, थिक है चटनी और अच्छी है। सिमरन के तो एक्सप्रेशन से ही पता लग रहा है, इट्स सच गुड, राइट? तो काफ़ी अच्छी लगी सिमरन को भी एंड मुझे भी। यू शुड डेफिनेटली ट्राई श्याम गोपाला रेस्टोरेंट फॉर योर लंच, फॉर योर स्नैकिंग टाइम, फॉर योर ब्रेकफास्ट। एनी टाइम यू कैन कम हेयर एंड ईट फूड। आइए बात करते हैं अब यहाँ के ओनर से। सो हेलो सर, अपना नाम बताइए। मैं शिव कुमार वीर। यहाँ का खाना बहुत टाइम से इतनी तारीफें सुन के आज ट्राई किया। मैं ही थी वो जो तारीफ कर रही थी। सो आपकी स्पेशलिटी है दाल मखनी, तो आपकी दाल मखनी में आप बकायदा घी डालते हैं, और अगर बात करें उसकी कंसिस्टेंसी की तो वो बहुत थिक है और आपका प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, ठीक है? तो आपकी ये रेसिपी कहाँ की है और आपने शेफ कहाँ से रखा हुआ है, अगर आप हमें बता पाएं तो। मैम हमारी जो रेसिपी है वो फॉरेन की है, इंडिया की रेसिपी नहीं है, और हमारे जो शेफ हैं यूके के, उत्तराखंड के, और हम इस रेसिपी को बहुत लंबे टाइम से वॉच कर रहे थे, टेस्ट करते हमने देखा इसको कि खाना अच्छा प्रोवाइड किया जा सकता है। हम लोग यात्राओं पर जाते थे अलग अलग, तो जैसे हम इनको देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर बहुत अच्छा फूड हमें नहीं मिल पा रहा था अलग अलग लोकेशंस पर जाने के बाद, तो हमने एक विचार बनाया कि क्यों नहीं हम एक ऐसा फूड दें लोगों को, हेल्दी भी रहे और वेल्थी भी रहे। हेल्दी का मतलब हमारा जो फूड है वो देसी घी के अंदर बना हुआ है, मेड इन देसी घी, और देसी घी में बनाने से क्या है हमारी हेल्थ भी अच्छी रहती है और हमारे को एनर्जी मिलती है खाने के बाद, यानी फील होता है कि हमने कोई अच्छा खाना खाया है। वेल्थी की बात करें तो हमारा जो प्राइस है वो बिल्कुल रीजनेबल है, बहुत कम कॉस्ट में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। हम एक ये सोच के काम कर रहे हैं कि हम लोगों की सेवा कर रहे हैं, और हेल्दी और वेल्दी दोनों चीज़ों पर हम फोकस कर रहे हैं। हमारा जो टारगेट है पूरे मार्केट को, अपने फूड को मार्केट में फैलाना है, और जो हमारा जो दिल्ली के सर्किल का जो रिंग रोड है जिसको KMP हाईवे बोलते हैं, इसके अंदर जो हमारे
काफ़ी क्राउड है NCR के अंदर, इसमें अपने अपने अलग अलग जगह आउटलेट लेके आना है, और जो हाईवे निकले हुए हैं दिल्ली से उस पर अपने अपने आउटलेट लेके जाना है अलग अलग। तो हमारे को फूड के अंदर एक अच्छा बेंचमार्क क्रिएट करना है और लोगों के लिए हमें फूड में सेवा करना है, हमारा ये उद्देश्य है। हमने आपकी थाली टेस्ट की, छोले भटूरे टेस्ट किए, वो तो गजब के हैं, लेकिन इसके अलावा भी, जैसे दिन के खाने के अलावा भी, आप और क्या क्या रखते हैं स्नैक्स में कुछ, डिनर में कुछ? मैम हमारा जो ना ये मेनू है, और हम 94 प्रकार के आइटम्स में डील करते हैं। हमारा जो है जो भी आइटम्स मिलेगा यूनिक मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं, कभी भी खा सकते हैं। हमारा जो है आज खाना खा रहे हैं, जो आज के 6 महीने बाद भी जो खाना खाएंगे सेम आपको टेस्ट मिलेगा, क्योंकि वी आर मेकिंग द ब्रांड, हमको ब्रांड बनाना है। और जो हमारे 94 प्रकार के आइटम्स हैं, हम इसमें स्टार्टर भी दे रहे हैं, लंच भी दे रहे हैं, स्नैक्स भी दे रहे हैं, ब्रेकफास्ट भी दे रहे हैं, लेकिन एक बात ये है यूनिक हमारी, श्याम गोपाला फूड मेक ओनली वेज। हम श्याम गोपाला फूड जो है हमारा ओनली वेज प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा, वेज खाने में हम डील करते हैं, हमारे यहाँ पे वेज ही सारी चीज़ें प्योर वेज में हम डील करते हैं। तो जैसा आपके रेस्टोरेंट का नाम है श्याम गोपाला रेस्टोरेंट, तो इस नाम का आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से आया? बात करते हैं तो हम बाबा श्याम के भक्त हैं, श्याम गोपाला वहाँ पे जाते थे हम, यहाँ पे खाटू श्याम जी, तो हम बार बार जाते रहे, जो हमारे पार्टनर्स हैं बिजनेस के अंदर जो सभी लोग हैं, हम जाते रहे, और जा कर के हमने एक ये चीज़ देखी कि भाई हमें क्या नाम रखना चाहिए, तो हमारे को ये यूनिक नाम लगा, क्योंकि ऐसा नाम आज तक कहीं पर है नहीं, श्याम गोपाला फूड के नाम से कोई नाम नहीं, हमारा रजिस्टर्ड नाम है और हमने इसको रजिस्टर्ड करा दिया, तो हमारे को वहीं से प्रेरणा मिली कि आप श्याम गोपाला फूड नाम रख सकते हैं। लेकिन हाँ, हमारा जो बिजनेस चल रहा है ऐसा नहीं है कि हम धर्म के नाम पे वो करेंगे, लेकिन नहीं, हमारा बिजनेस सभी लोगों के लिए बराबर है, चाहे वो कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो, लेकिन सभी के लिए हम पूरी भरपूर सेवा देने के प्रयास करते हैं। तो सिमरन ने भी अप्रूव कर दिया कि खाना बहुत टेस्टी है, मैंने पहले ही दावा कर दिया था, तो आप लोग भी यहाँ पे आके जरूर ट्राई करें श्याम गोपाला फूड्स पे, विद नाइस व्यू एंड नाइस फूड। बाय बाय, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे श्याम गोपाला की थाली की लग थाली रेडी है, इसमें हमारे आटे में, इसके आटे में के बारे में बताता हूँ, जीरा राइस, गुलाब जामुन, शाही पनीर, इसमें हमारा सैलड है, रोटी पैक हमारे रहता है, दाल मखनी है, जीरा आलू, आटे में हमारे पैक है, ये थाली हमारी रेडी हो चुकी है।